अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मिताली हाँ, अपने ऑफिशियल चैनल के साथ आपको अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने ना पिछले कुछ दिनों में अपनी एक यूट्यूब पे वीडियो डाली जिसमें एक कढ़ाई में मैंने ये सालन सा बनाया हुआ था, मटर कढ़ाई बनाई मैंने। तो इसकी ना इतने इस पर लाइक्स और इतने उस पर मैसेज और आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश पे मैंने इसकी फिर वीडियो डाली है यूट्यूब पे। तो आप सबकी बहुत फरमाइश थी कि आप इसकी वीडियो डालें, इसकी रेसिपी दें हम लोगों को। तो आज मैं इसकी रेसिपी आपके लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और इतनी ज़बरदस्त है, इतनी मज़े की है। आप देख रहे होंगे कि मैंने ये कढ़ाई बनाई, फिर हम लोगों ने इसको कैंडल लाइट डिनर भी किया है इसमें, तो बहुत मज़ा आया। यकीन कीजिएगा कि आप जितना रेस्टोरेंट में जाके इतना खर्चा करके, इतना पैसा लगा के जितना आप इस पर करते हैं ना, इससे कई ज़्यादा मज़ा हम लोगों ने इसमें उठाया जब घर में बैठ के और कैंडल्स ऑन करके। कैंडल तो ऑन करना भी पड़ी थी क्योंकि लाइट चली गई थी, और हमारा और भी मज़े का काम हो गया कि आप जब खाना खाने लगे थे तो लाइट चली गई थी, लेकिन हाँ थोड़ी देर के बाद आ गई थी। मैं आपको बता रही थी कि हमने मैंने ये जो वीडियो डाली तो मुझे मैसेज मिले कि आप इसकी वीडियो की रेसिपी हमारे साथ शेयर करें, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना, क्योंकि वीडियो तो मैंने बनाई ही थी, उसके बाद मैंने सोचा कि चलिए मैं आपको इसकी रेसिपी दे देती हूँ, ठीक है। तो क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था मुझे, तो मैंने भी डाली नहीं थी, सबकी फरमाइश पर मैंने ये वीडियो डाली है। आप इसको वीडियो को पूरा देखिएगा और आप भी इसके मज़ा देखें ना कि कितना मज़ा आया और कितनी मज़ेदार रेसिपी थी। और बारिश लगी हुई थी उस दिन, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया और बहुत मज़े से। रेसिपी मैं आपको स्टार्ट करूँ, आई एम सॉरी। देखिए व्यूअर्स, इसके लिए जो जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने इसमें थोड़े से प्याज डाले थे, टमाटर और हरी मिर्च, धनिया, लहसुन, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। क्योंकि जो था मीट था वो बिल्कुल गला हुआ था, सॉरी ये बिल्कुल गला हुआ था, और इसको मैंने वो नहीं करना था कि मैंने पहले बॉयल कर दी कुछ कर दी, तो ये फ्रोज़न था क्योंकि मेरे पास ये मैं फ्रोज़न चीज़ें मंगवा के रख लेती हूँ। और सॉरी, उसके बाद मैं ऐसे करती हूँ कि मैं बस मसाला तैयार करती हूँ और उसमें डाल देती हूँ। बहुत सी चीज़ें फ्रोज़न ऐसी भी होती हैं कि जो गली हुई होती हैं, और बहुत सी ऐसी भी होती हैं जो कि अभी बाद में जो है वो उनको मैं कर लेती हूँ, वो उसी टाइम भी गला लेती हूँ। काफ़ी दिनों से फ्रीज मैंने इसको किया हुआ था। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले प्याज को बारीक काट लिया, मैंने दो प्याज लिए थे नॉर्मली जो मैंने आपको वीडियो में दिखाए, वो प्याज लिए मैंने, उसको बारीक चॉप किया। तो क्योंकि मैं मेरी जो है ना वो जिसमें मैं इसको करती हूँ, ग्राइंड करती हूँ, वो नहीं जा रही थी, तो मैंने इसको क्या किया, चॉप कर लिया। तो जब इसको चॉप किया, इसके बाद इसमें ऑयल डाला, ऑयल डालना है आपने, ऑयल डाल के इसको हल्का सा फ्राई होने देना है इसके कलर चेंज करने के लिए ना, थोड़ा सा इसके कलर चेंज करेंगे। उसके बाद ये लाइट चली गई थी, सॉरी। तो लाइट जाने के बाद मैंने इसको क्या किया, मैंने कहा वीडियो तो मैंने बनानी ही है ना, मैं सब कुछ बना लूँ और फिर आप लोग कहें कि आप वीडियो नहीं आपने डाली, और ये फिर लाइट आई तो लाइट का बहुत इशू इन दिनों चल रहा। प्याज को आप देख सकती हैं कि मैंने कितना सा फ्राई किया, ठीक है। फ्राई करने के बाद मैंने क्या किया कि लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो इसमें डाल दिया, ठीक है। आप ऐसा करेंगे कि सबसे पहले आप, आपको अगर हाँ वैसे बताऊँ तो मैं कहूँगी आप पहले प्याज फ्राई कीजिएगा, फिर आप उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें, ठीक है। और पेस्ट डालने के बाद भी आपने इसको थोड़ा सा करना है मर्ज, मतलब थोड़ा सा ये हो जाए, सेट हो जाए ना, हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। तो लहसुन अदरक को भी साथ की, जो प्याज आपके ऑलरेडी हो चुके हैं और सालन भी, मतलब आपका ये समझे कि आप झटपट रेसिपी है। देखिए आपके घर में मेहमान आ जाते हैं, आप फ़ौरन से कुछ बनाना चाहती हैं, तो यूजुअली हर एक ने, मतलब लोग मोस्टली लोगों ने ये घर में फ्रोज़न रखा होता है, किसी के घर में चिकन फ्रोज़न पड़ा हुआ है, किसी के घर में मटन है, मीट है, कुछ भी है, मतलब कुछ ना कुछ पड़ा होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि ये झटपट रेसिपी और बहुत ही मज़े, आप यकीन नहीं कर सकते कदर टेस्टी रेसिपी बनी है। तो आप एक दफ़ा लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा, जब आप ट्राई करेंगे तो उसके बाद आप, मुझे लगता है कि आप हर वीक में एक दो दफ़ा तो इसको मस्त बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि मैं एक वीक में, मतलब वीक में एक दफ़ा मैं इसको मस्त बनाती हूँ।
क्या है कि आप इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, जिसके आप देख रहे हैं। जब हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे आप, उसके बाद आपने क्या करना है कि जो पड़ा हुआ है गोश्त पड़ा हुआ है आपने वो उसमें डाल देना। तो मैंने क्या किया कि हाँ, क्योंकि ये फ्रोज़न था वो था, तो मैंने कहा यार ये कैसे अब इसको, इतना सख्त है इसको, मैं कैसे अब तोड़ूँ, क्या करूँ उसको। मैंने क्या किया, इसको डाल दिया। मुझे पता था कि ये जब इसमें जाएगा, इसको हल्का सा दम लगेगा तो ये खुद ब खुद खुल जाएगा और बिल्कुल सेट हो जाएगा ना। तो क्या हुआ कि ऐसे ही हुआ, ठीक है। जब मैंने इसको डाला, ये पाँच मिनट भी नहीं लगे, 2 से 3 मिनट के अंदर बिल्कुल सेट हो गया और उसमें भुन गया। और जिस तरह से मैं इसको चाह रही थी, ये बिल्कुल वैसा हो गया, नरम हो गया, सॉफ्ट, मतलब बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया, ओके हो गया ना। फिर उसके बाद क्या है कि आपने नेक्स्ट, अगर आपके पास वैसे है तो आपने इसको पहले नमक डाल के गोश्त को गला लेना। गलने के बाद आप ये रेसिपी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब घर में रख सकते हैं आप इसे फ्रीज करके। अगर आपके पास गला हुआ नहीं है तो गला हुआ पड़ा हुआ है तो फिर आप इसको ऐसे ही बनाएंगे जैसे कि मैं बना रही हूँ, ठीक है। अब क्या है कि अब जब इसमें ये डल गया, ये सेट हो गया, जब बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, थोड़ा सा भुन गया, फिर इसमें आपने ऐड करनी है टमाटर, ठीक है। टमाटर ऐड कर लेंगे, मैंने 2 टमाटर डाले थे क्योंकि मेरे पास वही पड़े थे, तो मैंने 2 टमाटर डाले थे। बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार बना था, क्योंकि मेरी क्वांटिटी आप देख चेक कर सकते हैं, इसके आपके अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आज जितनी आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे उतना ही इसमें आप चीज़ें और ऐड मज़ीद ऐड करती जाएंगे, ठीक है। टमाटर डालने के बाद आपने क्या करना है, मसाले डालने। हल्दी डाली है मैंने 1 चम्मच, इसके बाद नमक डाला था तो हल्दी का 1 चम्मच मैंने डाला। उसके बाद हुशक धनिया, ठीक है, ये चला गया। हुशक धनिया डालने के बाद आपने अब अपने टेस्ट के मुताबिक मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक डाले हैं। सुरख मिर्च मैंने ऐड की है और ये ऑलमोस्ट 1 चम्मच है, क्योंकि मेरी क्वांटिटी के हिसाब से मैंने अपने हिसाब से मसाले डाले हैं। आप अपने हिसाब से इसको तेज़ भी कर सकते हैं, तीखा भी कर सकते हैं, आप इसको लाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने 2 चम्मच इसमें सुरख मिर्च डाल दिए। इसके बाद क्या करना है कि आपने इसको मज़ीद भूनना है, ठीक है। नमक डाला और ये मैं जो है ना चिली सी मैं मस्ट यूज़ करती हूँ ना, मैं किसी भी खाने में, गोल मिर्च आप इसको बोलते हैं, आप और पता नहीं क्या क्या इसको बोलते हैं, आई डोंट नो। तो अब क्या करेंगे कि अब इसको हम भून लेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से इसको इसकी भुनाई करेंगे, और इतनी ज़्यादा नहीं करेंगे। मेरे पास तो गोश्त था वो गला हुआ था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इसकी भुनाई नहीं की है, मैंने इसकी लाइट से इसको भूना है। और उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्च और धनिया डाल दिया और दैट्स इट, ठीक है। आप अपने हिसाब से करेंगे, क्योंकि अगर आपके पास गोश्त गला हुआ नहीं है तो मज़ीद उसको गलाएं, जैसे कि मैंने हल्का सा यहाँ पे दम लगाया था, वो इसलिए लगाया था क्योंकि टमाटर जो है वो गल नहीं रहे थे इस तरह से, तो क्योंकि ग्राइंड नहीं किए हुए थे, ग्राइंडर में चल नहीं रही थी, तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा चलो ऐसे ही टमाटर को गलाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं है ना, 2 टमाटर हैं, गल जाएंगे, गल गए। तो क्या है कि अब आपने इसमें हल्का सा दम दे दिया ताकि आपके टमाटर जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं और आपका मसाला जो है रेडी हो जाए, बिल्कुल सेट हो जाए। उसके बाद आप इसको मज़ीद भूनते जाएंगे, ठीक है। आप जब इसको भून चुकेंगे और ये देखिए दम पे लगाया जब, तो उससे क्या कि ऑयल छोड़ दिया, जब ऑयल छोड़ता है ना उससे मैं आप समझे कि आपकी कुकिंग जो है ना वो ज़बरदस्त होने वाली है, ज़बरदस्त होगी, है ना। देखिए भून के ये आपको जो नज़र आ रहा है ना, मेरा सेल इतना अच्छा नहीं है, उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है। अगर मैं आपको ओरिजिनल किसी अच्छे सेल से ये वीडियो बना के भेजती या उस पर अपलोड करती या बनाती या अच्छी लाइट में बनाती तो बहुत ही शानदार वीडियो बननी थी। यही वीडियो अगर बनी होती जो अच्छी सी जगह पर अच्छी सी लाइट में अच्छी सी मतलब सेल से बनी होती तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। आपको इसके ओरिजिनल कलर्स नज़र आते, आपको मज़ा आ जाता ना, तो ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसमें मैंने धनिया और हरी मिर्च डाला तो 4 चांद लग गए हैं, और अब देख सकते हैं हमने इसको इंजॉय किया, खूब इंजॉय किया, बारिश लगी हुई थी, हमने बहुत मज़े से इसको खाया। कि मेरी बेटी की फरमाइश थी कि इसको कैंडल लाइट डिनर करते हैं, क्योंकि लाइट चली गई तो हमने टॉर्च ऑन की, टॉर्च इसकी पसंद नहीं आई तो हमने फिर इसको कैंडल लाइट डिनर किया। प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।